नमस्कार, वेलकम बैक टू मम्मी की रसोई अगेन। क्या आपको भी कच्चे आम की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है? लेकिन आम का सीज़न आता है और चला जाता है, चटनी तो हम उसके पूरे साल नहीं पीस पाते। इसलिए हम आज आपके लिए एक ऐसा अचार लेके आए हैं जिसे रखकर पूरे साल आप चटनी पीस सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अचार डालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो आमियां ले लिए हैं कच्चे आम। अब हम उसे छील कर काट लेंगे। देखिए इस तरीके से हम उसको छिक्कल को इस तरीके से चाकू से छील लेंगे। छिक्कल हमें ऐसे छीलना है कि ग्रीन पार्ट ज़्यादा ना रहे। देखिए इस तरीके से उसको छील कर उसको काट लेंगे। इसके अंदर जो तितली होती है उसको निकाल कर इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इस तरीके से बाकी की सारी हमें अभी काट लेंगे। ये देखिए हमें हमारी सारी कट चुकी हैं। अब हम इसका अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर कुछ मसाले डालने हैं। नमक 2 चम्मच भर के हमने यहाँ पे नमक डाला है। नमक डालने के बाद लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, हींग। ये सब डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको धूप में रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 दिन के लिए इसको धूप में रख के छोड़ देना है। थोड़ी देर के लिए तो इसको उबड़ा हुआ ही आप धूप में रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें जाली या किसी पतले कपड़े से ढककर इसको धूप में छोड़ दीजिए। अब देखिए हमने इसको 2 दिन धूप लगा ली थी। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून चीनी हमने इसमें डाली है। चीनी हमने इसमें डाली है ताकि इसका अचार ज़्यादा ना गले, थोड़ा मतलब हार्ड ही रहे, क्योंकि ज़्यादा गल जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से हमने इसमें चीनी डाली है। चीनी से इसमें कोई मीठापन नहीं आता है, इसको सिर्फ हार्ड रखने के लिए ही इसमें चीनी डाली जाती है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमने यहाँ पे उसको थोड़ी देर और धूप में रख दिया है। लगभग 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसे धूप में रख दिया है। बस धूप लगाने के बाद अब हम इसको फिर से किसी जार में कर देंगे। कोई आप प्लास्टिक जार भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास कांच का जार है तो वो ज़्यादा अच्छा है। इसको जार में कर देंगे। अचार हमारा तैयार हो चुका है। सिर्फ अब इसको लगभग 7 से 8 दिन की धूप लगाना बाकी है। इसको आप जार में कर दीजिए और जार को आप धूप में रख दीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरा जार में कर लिया है अचार को, और हम इसे धूप लगाने के लिए रख देंगे। हमारे यहाँ धूप ज़्यादा नहीं आती है। अगर आपके यहाँ भी धूप ज़्यादा नहीं आती है तो आप भी इसमें सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं। ये देखिए सोडियम बेंजोएट बाज़ार में मिल जाता है आसानी से। वो डालने से आपका अचार ख़राब नहीं होता, बिल्कुल एक चुटकी, बिल्कुल नाम को हमने इसमें डाला है। लेकिन इसको डालने से अगर आप धूप नहीं भी लगाएंगे तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आपको ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अचार को 7 से 8 दिन धूप लगाइए, आपका अचार बिल्कुल तैयार है। पूरे साल भर रखकर आप इसे आराम से चटनी पीस सकते हैं। चटनी पीसने के साथ साथ आप इसे किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। पूरी, पराठा और मठरी के साथ तो ये अचार बहुत 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 ही अच्छा लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसको पूरे साल भर रखकर आराम से खाएं। इसी तरह की रेसिपी के साथ हम आपसे इसी तरह मिलते रहते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।